हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत की जो करेंसी है, नोट जो बनती है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है, यानी उसको बनाने में कितना खर्च आता है? नहीं ना? तो चलिए आज हम देखते हैं 2000 रुपये की से लेकर 1 रुपये तक की नोट को बनाने का खर्च कितना आता है। सबसे पहले हम देखते हैं 2000 रुपये की नोट को बनाने का यानी प्रिंटिंग कॉस्ट है 3 रुपये 54 पैसे। उसके बाद हम देखते हैं कि 500 रुपये की नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट यानी बनाने का खर्च है 3 रुपये 9 पैसे। उसके बाद आती है 200 रुपये की जो नई नोट बनी है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट यानी उसको बनाने का खर्च। उसको बनाने का खर्च आता है 2 रुपये 93 पैसे। उसके बाद आता है 100 रुपये की नोट का नंबर। जी हाँ, 100 रुपये की नोट को बनाने का खर्च यानी उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है 1 रुपये 79 पैसे। 50 की नोट को बनाने का खर्च यानी उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है 1 रुपये 81 पैसे। तो वही 20 रुपये की नोट का खर्च है यानी उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है 1 रुपये 50 पैसे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा चलने वाली नोट है 10 रुपये की नोट, जिसका बनाने का खर्च है यानी प्रिंट कॉस्ट है 96 पैसे। 5 रुपये की नोट को बनाने के लिए उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है 48 पैसे। और आखिर में आता है 1 रुपये वाली नोट, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट यानी उसका बनाने का खर्च है 1 रुपये 14 पैसे। आप सबको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि 1 रुपये की नोट बनाने के लिए उसके मूल्य से ज़्यादा खर्चा आता है, इसीलिए ये नोट बंद होने वाले। आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।